हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगन से सियासत भी गर्मा गई है। विरोधियों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे से सरकार को घेरिया है और अलर्ट के बावजूद अजिही घटना सामने आने सरकार का फेलियर दसिया। इस विषय को लेकर सरकार सचेत होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत की, पहले भी इन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी कि हम रिज पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। उसके बाद शायद विक्रमादित्य ने इसके एजिटेशन में एक तिरंगा झंडा लेकर ये यात्रा की थी और ये दिखाया था कि ये बहुत गलत बात है। ये केवल हिमाचल की बात ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है और इंटरनेशनल मामला है। तो इसमें जिस तरीके के थ्रेट्स इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, हमें अफसोस है कि उनके थ्रेट होने के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल प्रदेश का अपमान है, हिमाचल प्रदेश की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1939 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।